फेडरेशन की लड़ाई इंटरनेशनल मंच पर आई। वो देश की धरोहर है, बच्चों की धरोहर है, हमारे तिरंगे की धरोहर है, वो देश के मेडल है। हताश होने की जरूरत नहीं, संघर्ष है। प्रदर्शन से शुरुआत, मेडल बहाने की बात। गिरफ्तारी अगर गलत पाया जाऊंगा गिरफ्तारी हो जाएगी, क्या दिक्कत है? 5 दिन का अल्टीमेटम, बाकी टेंशन। पहलवानों के मेडल देश का गौरव है, वो पहलवान भी हमारे लिए तो गौरव है। पहलवानों की फाइट, कौन राइट? इसका बारे में हम बात नहीं कर सकते, हमारे साथ जो बात हुआ है हुआ है, हम उसका समर्थन में हूँ, लेकिन उन्होंने जो डिसीजन लिया है उनका डिसीजन है। पहलवानों का रण, दिल्ली टू हरिद्वार रण। रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ पहलवानों का धरना प्रदर्शन मंगलवार को अजीब से मोड़ पर पहुंच गया। मंगलवार को पहलवान हरिद्वार में अपने जो मेडल्स थे गंगा में प्रवाहित करने के लिए पहुंच गए, हालांकि किसान नेता नरेश टिकैत ने उन्हें रोक लिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा पहलवानों का धरना मंगलवार को हरिद्वार की पवित्र धरती तक पहुंच गया। मंगलवार को सरकार से नाराज चल रहे पहलवान अपने मेडल गंगा में प्रवाहित करने पहुंच गए। हालांकि किसान नेता नरेश टिकैत के समझाने बुझाने पर पहलवानों ने मेडल प्रवाहित नहीं किए। बताया जा रहा है कि नरेश टिकैत ने पहलवानों से 5 दिन का वक्त मांगा है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर पहलवानों को अपना समर्थन दिया और कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो पहलवान अपने मेडल राष्ट्रपति को सौंपेंगे। वो देश की धरोहर है, बच्चों की धरोहर है, हमारे तिरंगे की धरोहर है, वो देश के मेडल है। हताश होने की जरूरत नहीं, संघर्ष है। आजादी की भी लड़ाई 90 वर्ष तक चली और ये इसमें भी लड़ेंगे, बातचीत करेंगे। अगर मेडल देने होंगे तो देश के राष्ट्रपति जी को मेडल देंगे, ऐसे नहीं परवाह नहीं करना। हताश होगा क्या करना, हताश जीवन से हताश नहीं होना। पहलवानों के इस कदम पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कांग्रेस ने जहां इसे लेकर सवाल उठाए हैं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला और महिला खिलाड़ियों को तानाशाही दिखाकर पिटवाने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहलवानों के फैसले को निजी बताया। इसका बारे में हम बात नहीं कर सकते, हमारे साथ जो बात हुआ है हुआ है, हम उसका समर्थन में हूँ, लेकिन उन्होंने जो डिसीजन लिया है उनका डिसीजन है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने पहलवानों के इस कदम को गलत माना है। देखिए, मैं इससे एग्री नहीं करता। पहलवानों के मेडल देश का गौरव है, वो पहलवान भी हमारे लिए तो गौरव है। भले से उनके साथ जो भी जुल्म और ज्यादती हो रही है, हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन मेडल बहाना हमें पसंद नहीं आ रहा। कि ये भी एक देश की शान थी वो मेडल, और उसको इस तरह से गंगा में बहा दिया जाए, तो हम इस बात के उनके खिलाफ। पहलवानों के प्रदर्शन पर खेल मंत्रालय ने भी गलत माना है और कहा कि मेडल अकेले पहलवानों के नहीं है, ये पूरे देश का है, इनका अपमान नहीं किया जा सकता है। पहलवानों की शिकायत पर कमेटी का गठन किया गया था। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने भी 2 FIR दर्ज की है। ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे। 28 मई को प्रदर्शन के बाद पुलिस ने पहलवानों को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद पहलवानों ने गंगा में अपने मेडल प्रवाहित करने का मन बना लिया था, लेकिन नरेश टिकैत के समझाने के बाद पहलवानों ने अपना फैसला वापस ले लिया। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं।